आज आपको हम लेंस की क्षमता क्या होती है और लेंस की क्षमता का फोकस दूरी के साथ क्या संबंध होता है, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए दो तीन टॉपिक इस चैप्टर में बचे हुए हैं, थोड़ा सा लंबा चैप्टर है। इसके बाद न्यूमेरिकल भी आप लगाना शुरू करेंगे, मैं न्यूमेरिकल भी आपको भेज दूंगा इसका, और उसको आप लगाएंगे, जो प्रॉब्लम आती जाएगी उसे आप कमेंट के माध्यम से बताते जाएंगे। ठीक है, देखिए लेंस की क्षमता क्या है, पावर ऑफ लेंस। लेंस की क्षमता या पावर ऑफ लेंस, वास्तव में लेंस का काम क्या होता है? लेंस का काम होता है प्रकाश किरणों को मोड़ना या फैलाना। ठीक है, मुख्यतः आप जानते हैं दो ही प्रकार के लेंस होते हैं, एक को हम कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस और दूसरे को कहते हैं कॉनकेव लेंस। अर्थात एक होता है अभिसारी लेंस, जिसको उत्तल लेंस कहा जाता है, और दूसरा लेंस होता है अपसारी लेंस। ठीक है, जो कि प्रकाश किरणों को फैलाता है, या उसी को हम कहते हैं अवतल लेंस। ठीक है, तो उत्तल और अवतल दो ही प्रकार के लेंस तो होते हैं। इसमें जो लेंस, जैसे उत्तल लेंस का काम क्या है, प्रकाश किरणों को मोड़ना। बाहर से प्रकाश किरणें आ रही हैं, जब उत्तल लेंस के सामने पड़ेंगी तो उत्तल लेंस उन प्रकाश किरणों को मोड़ देगा, और अवतल लेंस क्या करेगा, फैला देगा। तो यदि मोड़ने या फैलाने की क्षमता किसी लेंस में अधिक है, अर्थात दूर से आने वाली प्रकाश किरणों को कोई लेंस ज़्यादा मोड़ देता है, तो उस लेंस की क्षमता ज़्यादा कही जाएगी, या दूर से आती हुई प्रकाश किरणों को कोई अवतल लेंस ज़्यादा फैला देता है, तो जितना ही ज़्यादा फैलाएगा वो, उसकी क्षमता उतनी ही ज़्यादा कही जाएगी। अर्थात किसी लेंस की क्षमता से आशय होता है कि प्रकाश किरणों को मोड़ने या फैलाने की क्षमता। ठीक है, सिंपल सी बात है, प्रकाश किरणों को मोड़ने या फैलाने की क्षमता ही लेंस की क्षमता कही जाती है। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पर लेंस की क्षमता, अगर कोई लेंस दूर से आने वाली प्रकाश किरणों को ज़्यादा मोड़ेगा, इसका मतलब कि जल्दी मिला देगा। एग्जाम्पल तौर पर ध्यान दीजिएगा, जैसे ये आपका कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है ये। अगर दूर से आने वाली ये समांतर प्रकाश किरणें हैं, ठीक है, अगर ज़्यादा पावरफुल लेंस होगा ये, तो क्या करेगा, प्रकाश किरणों को जल्दी मिला देगा, क्योंकि ज़्यादा मोड़ेगा ना प्रकाश किरणों को, यह ज़्यादा मोड़ देगा। अगर ज़्यादा मोड़ेगा तो जल्दी मिलाएगा, और अगर इस लेंस की क्षमता कम है तो ये प्रकाश किरणों को कम मोड़ पाएगा। कम मोड़ने का मतलब जो ज़्यादा झुकाव कर रहा था, अब वो कम झुकाव कर पाएगा, और जब कम झुकाव करेगा तो कहाँ मिलाएगा, थोड़ा सा दूर मिलाएगा जा करके। ठीक है, तो यह जो लेंस है अगर कम क्षमता वाला है तो प्रकाश किरणों को दूर ले जाकर मिलाएगा, और ज़्यादा क्षमता का है तो नज़दीक मिलाएगा। इसलिए अधिक क्षमता का जो लेंस होता है उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है, क्योंकि समांतर किरणें जो हैं जब आती हैं दूर से, ठीक है, तो अपवर्तन के पश्चात वो फोकस पर ही मिलती हैं, तो जहां मिलेंगी फोकस वहीं पड़ेगा। ठीक है, प्रकाश किरणें जहां मिलेंगी फोकस वहीं पड़ेगा, तो अगर जल्दी मिल जाएंगी तो फोकस जल्दी पड़ जाएगा। तो ज़्यादा क्षमता वाला लेंस है तो जल्दी मिलाएगा, मतलब कि नज़दीक मिला देगा, तो फोकस दूरी कम हो जाएगी, और कम क्षमता वाला लेंस रहेगा तो वो प्रकाश किरणों को कम मोड़ पाएगा, कहने का मतलब मोड़ते ले जाकर के दूर मिलाएगा। तो एक सीधा सा संबंध हो गया कि अधिक फोकस दूरी, अधिक क्षमता का लेंस अगर है तो उसकी फोकस दूरी कम होती है, क्योंकि जल्दी मिलाएगा तो फोकस दूरी तो ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। तो अधिक क्षमता के लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है, और कम क्षमता के लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाती है। ठीक है, तो फोकस दूरी क्षमता के व्युत्क्रम के बराबर होती है, फोकस दूरी क्षमता के व्युत्क्रम के बराबर होती है। ठीक है ना, अधिक क्षमता के लेंस की फोकस दूरी कम, और कम क्षमता के लेंस की फोकस दूरी अधिक होती है। इसलिए आप कह सकते हैं कि लेंस की जो क्षमता होती है, लेंस की क्षमता
ये क्या होती है, एक बटे फोकस दूरी। लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है, या दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो P इज इक्वल टू होता है 1/f। जहां पर फोकस दूरी जो है वह मीटर में अगर होती है तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। ठीक है, तो फोकस दूरी जो है अगर मीटर में रख ली जाए और 1/f कर दिया जाए तो उस अवस्था में लेंस की क्षमता जो आएगी उतना डायोप्टर, ठीक है, लेंस की क्षमता कही जाएगी। अगर फोकस दूरी हमको सेंटीमीटर में अवेलेबल है तो हम क्या करेंगे, P इज इक्वल टू हो जाएगा 100/f। P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100/f, जहां पर f क्या है, फोकस दूरी, और ये फोकस दूरी किसमें है, सेंटीमीटर में। तो P इज इक्वल टू 100/f भी कर सकते हैं और P इज इक्वल टू 1/f भी कर सकते हैं। ठीक है, 1/f का मतलब फोकस दूरी मीटर में रहेगी और f 100/f रहेगा तो फोकस दूरी सीधे आप सेंटीमीटर में रख सकते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि 20 सेंटीमीटर, है ना, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस है तो उस लेंस की क्षमता क्या होगी। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस है तो उसकी क्षमता, लेंस की क्षमता क्या होगी। तो आपको फोकस दूरी सेंटीमीटर में उपलब्ध है तो आप यहाँ पर रख देंगे 20, ठीक है, 100/20 काटेंगे आप तो आ जाएगा 5, तो आ जाएगा 5 डायोप्टर। क्या आ जाएगा यहाँ पे, P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 100/20 इज इक्वल टू आ जाएगा 5 डायोप्टर को D से लिख देंगे 5D। अगर उत्तल लेंस होती है, उत्तल लेंस अगर है तो उसकी क्षमता पॉजिटिव होती है ना, जैसे फोकस दूरी पॉजिटिव है तो उसकी क्षमता भी पॉजिटिव में आएगी, और अगर अवतल लेंस है तो उसकी जो क्षमता है वो निगेटिव होगी क्योंकि उसकी फोकस दूरी भी निगेटिव होती है। तो क्षमता को यहाँ पर आप +5D कर सकते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं, +5D, या अगर अवतल लेंस है तो -5D ऐसे कर सकते हैं। कहीं पर -5D अगर लिखा रहे तो आप जान जाइएगा कि ये अवतल लेंस की क्षमता है, और अगर +5D लिखा रहेगा तो उत्तल लेंस की क्षमता है। ये बात क्लियर हो रही ना, +5D आप भले ना लिखें लेकिन अवतल लेंस अगर है तो आपको -5D लिखना अनिवार्य है, आप लिखेंगे तो लेंस की क्षमता आप समझ गए होंगे अच्छे से। अब आपको दो पतले लेंस हैं उनका संयोजन किया गया है, उनको जोड़ दिया गया, मतलब दोनों को बहुत बिल्कुल पास में रखा गया है, तो दो पतले लेंसों को एक साथ रखने पर उनकी संयुक्त फोकस दूरी कितनी होती है, इसका एक सूत्र आपको पढ़ना है। सिंपल सा फार्मूला है, जैसे ये आपका एक लेंस हो गया उत्तल लेंस, और इसी के बगल में एक दूसरा लेंस जो है, ये देखिए ये कौन सा लेंस है, ये आपका अवतल लेंस है, उत्तल लेंस है, मतलब दोनों लेंस एक ही हैं, दोनों लेंस विपरीत प्रकृति के भी हो सकते हैं। यहाँ पर हमने क्या माना है, दोनों एक ही लेंस हैं, ये देखिए दो लेंस बिल्कुल पास पास रखे गए हैं, दोनों पतले लेंस हैं, दो लेंस बिल्कुल पास पास रखे गए हैं, ठीक है ना। पहला जो लेंस है उसकी फोकस दूरी है f1, और दूसरा जो लेंस है इसकी फोकस दूरी है f2, ठीक है। पहले लेंस की फोकस दूरी है f1, दूसरे की फोकस दूरी है f2। आप क्या निकाल रहे हैं, अगर कोई दो लेंस हैं उन दोनों लेंसों को कंबाइंड करके रखा जाए तो उन लेंसों की तुल्य फोकस दूरी या इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितनी होती है, ये आपको प्राप्त करना है। तो फोकस दूरी पहले लेंस की f1 है और दूसरे लेंस की f2 है, उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है वो दोनों की, एक की f1 है और दूसरे की f2 है। एक मान लीजिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है O बिंदु पर, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट किस बिंदु पर है, O बिंदु पर है। यहाँ से चलने वाली प्रकाश किरणें क्या होगा, पहले जो है
पहले वाले लेंस के सामने पड़ेंगी या पहले वाले लेंस से टकराएंगी। जब ये पहले लेंस से टकराएंगी तो वहां से ये अपवर्तित होंगी। अपवर्तन के पश्चात अगर ये दूसरा लेंस न होता, केवल एक ही लेंस होता, ठीक है, तो उस अवस्था में ये प्रकाश किरणें जो हैं कहाँ जाके मिलती, यहाँ मिलती, समझ रहे बात को, और प्रतिबिंब आपका जो आई है वो यहाँ पर बनता, समझ रहे बात को। अगर ये दूसरा वाला लेंस ना होता तो पहले वाले लेंस के द्वारा प्रतिबिंब आई पर बनता, लेकिन अब यह भी एक लेंस आपका है तो प्रकाश किरणों को ये पहला लेंस तो मोड़ेगा ही, ये दूसरा वाला लेंस भी मोड़ेगा, इसलिए प्रतिबिंब जो है कहाँ बन जाएगा जाकर के, यहाँ बन जाएगा प्रतिबिंब आई पर, इसको आई डैश मानते हैं और ये आई। कहने का मतलब कि वो ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब आई डैश पर बनता अगर एक ही लेंस होता, सिंगल लेंस होता तो, जिसकी फोकस दूरी F1 है, और इसी उत्तल इसी ओ ऑब्जेक्ट का, ठीक है, दोनों लेंस मिला करके प्रतिबिंब कहाँ बना रहे हैं, आई पर बना रहे हैं। वास्तव में पहले लेंस के द्वारा बना हुआ जो प्रतिबिंब होता है वही दूसरे लेंस के लिए आभासी वस्तु का काम करता है, ठीक है ना। जब दो लेंसों को आपने ज्वाइंट करके रखा हुआ है तो पहले लेंस के द्वारा बना हुआ जो प्रतिबिंब है, जहाँ पर यह प्रतिबिंब बन रहा है, यही प्रतिबिंब दूसरे वाले लेंस के लिए आभासी वस्तु का काम कर रहा है, ठीक है, और इसलिए अंतिम प्रतिबिंब आकर के आपका आई पर बन जा रहा है। पहले लेंस से वस्तु की दूरी हम यू देखते हैं और पहले लेंस के लिए जो प्रतिबिंब बना हुआ है वो आई डैश पर बना हुआ है, तो पहले वाले लेंस से प्रतिबिंब की दूरी आपकी कितनी है, वी डैश है, ठीक है। दूसरे वाले लेंस से यहां से लेकर के प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, वही वी डैश है लगभग, क्योंकि दोनों लेंस बहुत पतले पतले हैं, इसलिए पहले लेंस से दूरी मापे आई डैश की तो भी वी डैश ही मानी जाएगी, और दूसरे लेंस से मापेंगे तो भी वी डैश ही मानी जाएगी, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की मोटाई इतनी कम है कि आप उत्तल लेंस की मोटाई को नगण्य कर सकते हैं, मान सकते हैं, ठीक है। तो अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है आपका, ये दूरी यहां से लेकर यहां तक की दूरी, इसके प्रकाशिक केंद्र से यहां तक की दूरी कितनी है, वी है। अब हम क्या करेंगे कि दोनों लेंसों के द्वारा अलग अलग स्थितियों में किस प्रकार से प्रतिबिंब बन रहे हैं उसको निकाल लेंगे, और फिर दोनों कंडीशंस को हम ज्वाइंट कर देंगे। जब ज्वाइंट कर देंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। चलिए, पहली जो कंडीशन है, उस पहली कंडीशन में पहला वाला लेंस आपका ये है, इसको आप क्लियर कीजिएगा। इसकी फोकस दूरी है F1, इसके सामने वस्तु कहाँ रखी है, ओ बिंदु पर, इसकी दूरी है U, और इसके द्वारा बना हुआ जो प्रतिबिंब है वो आई डैश पर है, जिसकी दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, वी डैश है। तो आप लेंस का जो फार्मूला है, बेसिक फार्मूला आप जानते हैं, 1/F = 1/V - 1/U, ये फार्मूला होता है। तो पहला लेंस जो है उसकी फोकस दूरी आपने F1 मान रखा हुआ है, तो हो जाएगा 1/F1 = 1/V, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, वी डैश है, तो हो जाएगा 1/V - 1 वस्तु की दूरी क्या है, यू, तो 1/U, समीकरण नंबर एक हो गया ये। 1/F1 = 1/V - 1/U, ये तो एक लेंस का हो गया। दूसरे लेंस के लिए आइए जरा, दूसरे लेंस के लिए फोकस दूरी कितनी है, F2 है, इसके लिए वस्तु की कहां पर है, वस्तु है वी डैश दूरी पर, क्योंकि पहले वाले का जो प्रतिबिंब है वही दूसरे लेंस के लिए वस्तु का काम करेगा, तो दूसरे लेंस से यहां दूरी कितनी हो गई, वी डैश, तो हो जाएगा ये कितना, 1/F2, दूसरे लेंस की फोकस दूरी F2, तो क्या हो जाएगा, 1/F2 = 1/ क्या हो जाएगा, वी, यानी प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, वी है, तो वी हो जाएगा -1/U, यू मतलब वस्तु की दूरी, तो वस्तु कहां पर है, यहां पर आई डैश पर, दूसरे लेंस के लिए वस्तु कहां पर है, आई डैश पर, तो वस्तु की दूरी हो जाएगी वी डैश, समीकरण नंबर दो। अब समीकरण नंबर एक और समीकरण नंबर दो आप दोनों को देख ही रहे होंगे, इन दोनों को आप कंबाइंड कर दीजिए,
तो हो जाएगा 1/f1 दिख रहा है प्लस 1/f2 1/f1 इसको देखिए और 1/f2 इसको देखिए बराबर 1/v' - 1/u और ये 1/v - 1/v' दोनों को ऐड करेंगे आप तो 1/v' यहाँ भी दिख रहा होगा और 1/v' यहाँ भी दोनों को आप क्रॉस कर दें कट जाएगा ये कट जाए क्या बचेगा 1/v - 1/u समीकरण नंबर 3 देख लीजिए तो 1/f1 + 1/f2 = 1/v - 1/u अब जरा ध्यान दीजिए आप कि अगर ये दोनों लेंस आप जो जिसको देख रहे हैं इन लेंसों के माध्यम से ओ बिंदु पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है आई पर बन रहा है अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है आई पर ही तो बन रहा है वस्तु यहाँ पर है और दोनों लेंस मिल करके लास्ट प्रतिबिंब कहाँ बना रहे हैं आई पर बना रहे हैं तो इसका मतलब दोनों लेंसों को अगर हम एक लेंस मान लें दोनों लेंसों को वहां से हटा लिया जाए और इन दोनों लेंसों के स्थान पर एक अकेला लेंस लगा दें समझ रहे बात को एक अकेला लेंस लगा दें ऐसा लेंस जिसका कार्य इन दोनों लेंसों के ज्वाइंट कार्य के बराबर हो मतलब जितना काम ये दोनों लेंस मिलकर करते हैं उतना काम वो अकेला लेंस करे ठीक है तो उस लेंस के लिए क्या हो जाएगा वस्तु यहां पर रहेगी ओ बिंदु पर और प्रतिबिंब अंतिम प्रतिबिंब बनेगा उसका आई पर ठीक है तो उस अकेले लेंस की फोकस दूरी को अगर हम कैपिटल एफ से शो करें जिसको हम तुल्य फोकस दूरी कहेंगे एक सिंगल लेंस लगाया है हमने और उसकी फोकस दूरी को हम तुल्य फोकस दूरी कह रहे हैं और उसको कैपिटल एफ से शो कर रहे हैं तो क्या लिखा जाएगा 1/F अब ये कैपिटल एफ क्या है दोनों लेंसों की तुल्य फोकस दूरी है इक्वल टू 1/V वी मतलब अंतिम प्रतिबिंब की दूरी जो ज्वाइंट लेंस रहेगा उससे अंतिम प्रतिबिंब की दूरी 1/V - 1/u समीकरण नंबर ये हो जाएगा 4 अब समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 इसको आप कंपेयर करेंगे जब तो 1/V - 1/u ये दोनों पक्षों में है और यहाँ क्या आपका आपको मिलेगा 1/f = 1/f1 + 1/f2 तो ये ज्वाइंट लेंस की फोकस दूरी का फार्मूला है अगर दो अलग अलग फोकस दूरियों वाले लेंस हैं पहले लेंस की फोकस दूरी है f1 दूसरे लेंस की फोकस दूरी है f2 तो दोनों लेंस अगर बिल्कुल पास पास रखे जाएं तो उन लेंसों की जो संयुक्त फोकस दूरी होती है ज्वाइंट फोकल लेंथ होती है वह इस सूत्र के माध्यम से आप निकाल सकते हैं 1/f = 1/f1 + 1/f2 समझ रहे बात को कोई दिक्कत तो नहीं अब यहाँ पर अगर इसको हम LCM ले लें इसका तो क्या लिख सकते हैं 1/f = f1 + f2 / f1 ऐसे ध्यान दीजिएगा 1/f1 + 1/f2 क्या हो जाएगा f2 यहाँ हो जाएगा f1 यहाँ यानी f1 + f2 हो जाएगा अपान f1 f2 उल्टा कर दीजिए इसका उल्टा कर दीजिए तो f = हो जाएगा f1 f2 / f1 + f2 तो ये तुल्य फोकस दूरी का फार्मूला है कहने का मतलब फोकल लेंथ आपको पता है तो फोकस दूरियों का गुणा कर दीजिए और यहाँ फोकस दूरियों को जोड़ दीजिए यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज़ आपको ध्यान देनी है ध्यान दीजिएगा एक महत्वपूर्ण चीज़ ये आपको ध्यान देनी है कि फोकस दूरियाँ जब भी रखी जाएंगी इस सूत्र में सूत्र आपको याद हो देख लीजिए ध्यान से इस सूत्र में फोकस दूरियाँ जब भी रखी जाएंगी तो उनके मान चिन्ह सहित रखे जाएंगे कहने का मतलब अगर उत्तल लेंस है आपका तो उसकी फोकस दूरी धन चिन्ह के साथ रखी जाएगी अगर अवतल लेंस है तो उसकी फोकस दूरी ऋण चिन्ह के साथ रखी जाएगी ठीक है ये आपको रखना है यहाँ पर ध्यान देना है अगर उत्तल लेंस है दोनों दोनों कौन से लेंस हैं दोनों उत्तल लेंस हैं तो दोनों फोकस दूरियाँ आपकी धन में रखी जाएंगी f1 का मान भी पॉजिटिव में आएगा नंबर कुछ रहेगा 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर जैसी फोकस दूरी रहेगी f2 का मान भी वही रहेगा 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर जैसी फोकस दूरी रहेगी
तो F1 F2 और F1 F2 प्लस F2 को रखकर इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस इंटू प्लस का मान प्लस में ही आता है, यहाँ भी पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहता है, तो ये पूरा मान क्या होगा, धनात्मक होगा। कहने का मतलब दोनों लेंस अगर आपके उत्तल हैं तो जो ज्वाइंट लेंस बनेगा है ना, जो संयुक्त फोकस दूरी बनेगी वो कैसी आएगी, पॉजिटिव। दोनों उत्तल लेंस के होने पर जो ज्वाइंट लेंस है आपका वो उत्तल लेंस की तरह काम करेगा। दूसरी चीज ये, अगर दोनों लेंस आपके अवतल हैं, अगर दोनों लेंस आपके अवतल हैं, पहला वाला भी अवतल है दूसरा वाला भी अवतल है, दोनों अवतल को आपने पास पास हटा करके रखा हुआ है, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो ये F1 का मान माइनस में हो गया, F2 का मान माइनस में हो गया, तो माइनस गुणे माइनस का मान क्या हो गया, प्लस हो गया। तो ये मान तो आपका जो ऊपर वाला मान है ये मान पॉजिटिव में आएगा है ना, धनात्मक हो गया। नीचे F1 का मान माइनस में होगा, F2 का मान माइनस में होगा, तो ये माइनस आपका कॉमन हो जाएगा, वो संख्या जुड़ जाएगी, लेकिन संख्या किस में आएगी, माइनस में आएगी, क्योंकि ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है। तो नीचे वाली जो राशि है वो माइनस में आएगी और ऊपर वाली जो राशि है वो ऋण, माइनस माइनस का जो मल्टीप्लाई है वो धन होता है, तो धन आएगा, प्लस संख्या में माइनस से डिवाइड करेंगे तो माइनस आएगा। तो कहने का मतलब ये दोनों लेंस अवतल हैं तो ज्वाइंट जो लेंस होगा वह भी अवतल की भांति ही कार्य करेगा। बात क्लियर हुई, अगर दोनों लेंस उत्तल हैं तो ज्वाइंट लेंस उत्तल की भांति कार्य करेगा, दोनों लेंस अवतल हैं तो ज्वाइंट लेंस या जो संयुक्त लेंस होगा वह अवतल की भांति कार्य करेगा। लेकिन अगर दोनों लेंसों में एक लेंस आपका धनात्मक है मतलब उत्तल लेंस है